जो बहुत सारे काम है इंशाल्लाह वो हमें करने हैं, और आपको इंशाल्लाह असेंबली के फ्लोर पे हम भले इस वक्त नो हमारे कैंडिडेट जो जीत के आए हैं, वैसे तो हमारे पूरे कराची के अंदर हमने विन किया हुआ था, चाहे एनए की सीट हो या पीएस की हो, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट बदली किए गए वो आप लोगों के सामने ही है। पर इंशाल्लाह बहुत जल्द फैसला हमारे हक में आएगा इंशाल्लाह फॉर्म 45 के मुताबिक, और इंशाल्लाह हम सब जो है ना मिलके, चाहे कौमी असम्बली हो या ये सूबाई असम्बली सिंध हो या पंजाब की असम्बली हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलोचिस्तान असम्बली हो, इंशाल्लाह पीटीआई के अरकान जो है वो इमरान खान साहब का जो फलसफा है उसको लेके चलेंगे। इस वक्त जो है हम सुनी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हमारा जो इलाहाक हुआ है, हम उसके थ्रू यहाँ पर जो है उतरे हैं मैदान में सीटों असम्बली के अंदर, और कोई रिजर्व सीट के मेरे ख्याल से दो हमारी रिजर्व सीट बनती है, उसके ऊपर भी कोई मामला इस वक्त डेड लॉक का शिकार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम सजाद अली सुमरो है, मैं पीएस 106 लियारी से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपी है। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, मीडिया वालों ने माशाल्लाह जिस तरीके से वेलकम किया है बड़ी खुशी है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जो है अभी हमारे सारे अरकान टोटल 9 के 9 जो है वह तशरीफ ला रहे हैं, और सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, सबसे पहले अल्लाह पाक का जो है वो एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें इज्जत बख्शी। इसके बाद जो है वो इमरान खान साहब की मरहूने मिन्नत है हमारी ये सारी जीत, ना जो है हमें वहाँ पर कैंपेनिंग करने दी गई थी, ना ही जो है ना हमें कोई ऑफिस वहाँ पर खोलने दिया गया, ना ही जो है हमें वहाँ पर झंडे लगाने की इजाज़त थी, ना ही हमारा जो संबल का निशान था वो भी जो है हमसे छीन लिया गया था। इन सब के बावजूद जो है वो हमने हिम्मत की अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक ने हमें सुरखुरू किया। स्पेशली लियारी की आवाम का जो है मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि लियारी जैसे इलाके में वहाँ पर मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के जो है ना इनके जो उम्मीदवारों को शिकस्त दे के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ से सजाद अली सुमरो को उन्होंने कामयाब करवाया। इंशाल्लाह आपको जो है वो आज हम जो हल्फ उठा रहे हैं इसके बाद आपको नज़र आएगा कि लियारी के अंदर जो है वो हम जो काम कर रहे हैं वो भी आपको नज़र आएगा। और देखें अभी तक जो है माजरत के साथ लियारी जो है वो अभी तक गटर की सियासत से बाहर निकला ही नहीं है, हमारी जो दुनिया है वो चांद पे चली गई है। इस वक्त जो है आईटी का दौर है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, 4G 5G की तरफ चले गए, हम लोग जो है अभी तक हमारे मोबाइल के अंदर जो है वो सिग्नल ही जो है ना यहाँ पर पूरे नहीं आ रहे होते। तो इंशाल्लाह बहुत सारी जो है जो बहुत सारे काम है इंशाल्लाह वो हमें करने हैं, और आपको इंशाल्लाह असेंबली के फ्लोर पर हम भले इस वक्त 9 हमारे कैंडिडेट जो जीत के आए हैं, वैसे तो हमारे पूरे कराची के अंदर हमने विन किया हुआ था, चाहे एनए की सीट हो या पीएस की हो, लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट बदली किए गए वो आप लोगों के सामने ही है। पर इंशाल्लाह बहुत जल्द फैसला हमारे हक में आएगा इंशाल्लाह फॉर्म 45 के मुताबिक, और इंशाल्लाह हम सब जो है ना मिलके, चाहे कौमी असम्बली हो या ये सूबाई असम्बली सिंध हो या पंजाब की असम्बली हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलोचिस्तान असम्बली हो, इंशाल्लाह पीटीआई के अरकान जो है वो इमरान खान साहब का जो फलसफा है उसको लेके चलेंगे, और आपको बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह तब्दीली भी नजर आएगी। देखें हम इस वक्त जो है हम सुनी इत्तेहाद कौंसिल के साथ हमारा जो इलाहाक हुआ है, हम उसके थ्रू यहाँ पर जो है उतरे हैं मैदान में सीटों असम्बली के अंदर, और कोई रिजर्व सीट के मेरे ख्याल से दो हमारी रिजर्व सीट बनती है, उसके ऊपर भी कोई मामला इस वक्त डेड लॉक का शिकार है, वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द नजर आएगा। बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना हम लोगों ने सुनी इत्तेहाद कौंसिल के जो है ना थ्रू जो है हम वो सीटों पर जो ना आए, इंशाल्लाह वैसे ही बहुत जल्द जो है वो हमारा आपको पता है इंतखाबात भी अगले महीने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक भी जो है वो फिर आगे वो मामला चलाएंगे, और उसके बाद जो है वापस हमारा जो निशान है वो हमें अलाट हो जाएगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंशाल्लाह। देखिए हाँ, तो डेफिनेटली सुनी इत्तेहाद कौंसिल के जो है ना मेम्बरान के हिसाब से जो है हम लोग हलफ लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।